दें मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। लगभग सभी घरों में लकड़ी का फर्नीचर जरूर होता है। घर के इंटीरियर में फर्नीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आइए जानते हैं लकड़ी के फर्नीचर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम। आमतौर पर कामकाजी लोग अपनी सुविधानुसार किसी वीकेंड या छुट्टी के दिन जाकर फर्नीचर या अपने घर में होने वाले इंटीरियर के लिए लकड़ी खरीद कर लाते हैं, मगर शास्त्रों की माने तो लकड़ी लाने से पहले थोड़ा विचार करना जरूरी है। ध्यान रखें, कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या तिथि पर फर्नीचर या नई लकड़ी खरीदने से बचें। एक बार फिर ध्यान से सुने, किसी भी ट्यूसडे, सैटरडे या नो मून डे पर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी या बना बनाया तैयार लकड़ी का फर्नीचर न खरीदें। अगर आप घर में इंटीरियर्स का काम करवाना चाहते हैं तो इसे वास्तु के अनुसार ही करवाएं, और इसका मेन रूल है कि आपके घर का इंटीरियर हमेशा नॉर्थ जोन से या वेस्ट जोन से ही स्टार्ट हो और लास्ट में घर के दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट जोन में आकर इसे पूरा किया जाए। जब कभी भी आप घर पर फर्नीचर बनवाना चाहें तो ध्यान रखें कि लकड़ी शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदें। नई लकड़ी भूलकर भी ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में न रखें, क्योंकि ऐसा करने से लकड़ी का काम समय से पूरा होने में तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं। फिनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में हल्के से हल्का फर्नीचर और साउथ वेस्टर्न जोन में भारी फर्नीचर लगाना चाहिए। ठीक इसी तरह फर्नीचर के रंग पर भी ध्यान दें। कई बार लोग गहरे गहरे डार्क कलर्स के फर्नीचर से अपने घर का इंटीरियर कर लेते हैं। रंग जितना गहरा होगा उसकी एनर्जी को अपने अंदर रोक लेने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसके कारण आप एटमॉस्फेयर में एनर्जी की कमी महसूस करेंगे। इसलिए अपने घर की वास्तु हार्मोनी पर ध्यान ज़रूर दें और अपने घर में फर्नीचर के रंगों को बैलेंस्ड रखें। वास्तुशास्त्र के लगभग सभी ग्रंथों के अनुसार घर में उतना ही फर्नीचर होना चाहिए जितना आवश्यक हो। फर्नीचर की सेटिंग इस तरह करें कि बैठते समय घर के सदस्यों का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, यानी नॉर्थ या ईस्ट की ओर रहे। अपने सभी स्लीपिंग अरेंजमेंट्स इस तरह रखें कि बिस्तर पर सोते समय घर के किसी भी मेंबर का सिरहाना नॉर्थ की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर न हो। बीम के ठीक नीचे कोई भी ऐसा फर्नीचर न रखें जिसे घर के सदस्य इस्तेमाल करने वाले हों। उम्मीद है इन उपायों के साथ आपको अपने घर के फर्नीचर को प्लेस करने में आसानी होगी। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडितायन छवि शर्मा फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जय।